हो गई आपकी मन्नत पूरी? अच्छा, औलाद की मन्नत जब हो जाए आपके, अल्लाह ताला दे दे तो आप भी अपने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रुबाब हसन और सेकंड पार्ट आपके लिए जल्द ही ले आई क्योंकि आप लोगों का बेहद इसरार था। नेक्स्ट पार्ट प्लीज़। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उस पर आप लोगों की पसंदीदगी देख कर बेहद खुशी हुई, इसीलिए जो है आपके लिए जल्दी से लेकर आ गई हूँ वीडियो का सेकेंड पार्ट। तो ये है मियाँ मोहम्मद सरफराज कलहोड़ो अब्बासी की दरगाह, जो कि सरफराज बाबा के नाम से बेहद हैदराबाद में और मुख्तलिफ शहरों में पहचानी जाती है। तो आपने इन खातून को देखा जो कि रोज़ी के सिक्के बांट रही थी। जहां तक मैंने अंदाज़ा लगाया है, मेरे ख्याल में लोग जिस चीज़ की मन्नत मांगते हैं अगर वो उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उसी से रिलेटेड वो नेक्स्ट ईयर उस चीज़ को बांटते हैं। जैसे कि अगर किसी ने मांगी है कि मेरे जो है रोज़ी में बरकत हो जाए तो वो अगले साल जो है सिक्के बांट रही थी। एक खातून ने कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी की मन्नत मांगी थी, वो चूड़ियाँ और मेहंदी बांट रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप भी मन्नत मांगने आई हैं? नहीं, मेरे साथ में गई हैं। अच्छा, बहुत रश है भाई। ख्वातीन का बेहद रश था, मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ और आगे जाकर आपको दिखाई जाए कब्र मुबारक, लेकिन जो है यहाँ पर रश इतना था। और ये जो रश आपको नज़र आ रहा है फ़िलहाल, अभी ये रश बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अभी तो जो है 2 से 3 बजे का टाइम था, लेकिन असर में इससे भी ज़्यादा रश होगा कि पाँव रखने तक की जगह नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब किस चीज़ के लिए पर्चे? अच्छा, खुद नियत करके ले लो। बांटने पड़ेंगे जितने। आप भी मन्नत मांगने आई हैं? उठाने आई हूँ अपनी मन्नत। अच्छा, हो गई थी मन्नत पूरी? नहीं, तो उठाए थे लेके। अच्छा, इससे पहले का भी मतलब उठाया है तो पता चला कि पूरी हुई है, फर्स्ट टाइम आई। टमाटर भी बांटते हैं, औलाद क्या होता है? वो मन्नत पूरी हो जाए तो टमाटर बांटो। अगर जिसने टमाटर खाए होंगे औलाद हो गई उसी साल में, फिर अगले साल है ना हमने भरने होते हैं टमाटर नियत करके। जब हो जाए आपके, अल्लाह ताला दे दे तो आप भी अपने। अच्छा, तो एक साल में हो गई? तो तब जाकर अब हो गई, अब आप भर रहे थे टमाटर। अच्छा, टमाटर ही टमाटर ही देते हैं? बेटी बेटी हुई है माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। व्लॉग है मेरा, रुबाब हसन नाम है चैनल का, आप भी सब्सक्राइब करिएगा। आप कैसे आई हैं यहाँ पर, किस सिलसिले में आई हैं? जो मन्नत पूरी नहीं थी ना, हो गई आपकी मन्नत पूरी? अच्छा, भरने आई थी, भर दी। क्या भरा? चूड़ी और अच्छा शादी की मेहंदी। कितने सालों से आ रही हैं आप, मतलब कितने सालों से मानती हैं इसको? मतलब बचपन से, जब से वैसा है आपके बड़े हो सभी। सही सही, क्या चीज़ इन्होंने मन्नत पूरी की थी? मेहंदी और चूड़ी भरी, इनकी शादी होगी बेटे या बेटी की, जो भी हुआ होगा। हाँ इंशाल्लाह, बहुत दर्शन, बहुत दर्शन। तो दरगाह मैंने आपको दिखा दी है, तो दरगाह को मानने वाले इतने लोग थे, दूर दराज से लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ शहरों से गाड़ियाँ करके, वैन में, बस में, जैसी उनकी सहूलत थी उस हिसाब से वो पहुँचे हुए थे। साल में एक दिन जो है पुरजोश तरीके से ये लोग आते हैं यहाँ पर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 40वें वाले दिन यहाँ पर ये सारे लोग आते हैं और बहुत बड़ा बाज़ार यहाँ पर लगता है। दरगाह के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ये बाज़ार। वाला शीशा कितने का है? महंगा है, 250 का। और वो वाला भाई, वीडियो क्या चीज है ये? डिस्प्ले की बनाना,
डिफरेंट प्राइस है इनके टॉयज के, 100 के। कोई गाड़ी वाड़ी सारी 200 रुपए में। देख लो कोई कलर नहीं। कितने के भाई? डिफरेंट प्राइस है। 150। 150 के सारे, कोई सा भी ले लें। सिर्फ एक बड़ा पर्स। 100 रुपए लगाओ। नहीं, 100 रुपए का नहीं वाले पर्स। 125 के तो हम खरीद कर। 50 अगर बाबू उस तरफ पूछा था तो। ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। 100 का नहीं दोगे? लगा लो। ये भी अच्छा लग रहा है। अल्लाह 150 में कोई सा भी लो, ये अच्छा लग रहा है। खोल के देखा है, फिनिशिंग नहीं है लेकिन है इतनी। इसमें तो फिर भी उनमें नहीं है। कैसे दिया ये? पॉकेट भी 3 है। सरफराज का लोहड़ो बाबा के उर्स वाले दिन ये बाज़ार सजता है, जिसे बहुत से लोग मेला भी कहते हैं। तो ये बाज़ार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 40वें वाले दिन होता है। एक रात पहले से ही इस बाज़ार की मुकम्मल तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं और लोग अपने अपने स्टॉल उठाकर यहां पर ले आते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद से लोग आएंगे और इस दिन इनकी अच्छी सेलिंग हो जाती है। तो लोग अपनी मन्नतें उठाने के बाद या फिर उसकी अदायगी करने के बाद इस बाज़ार में शॉपिंग भी करते हैं बहुत जोशो खरोश से। कितने का भाई? 1000 रुपए का। ये ना इस फेसेस लगाने पड़ेंगे। ये इसका है। लेकिन थोड़े बड़े बच्चे का है, मुंह से जितने इसका। और इसके क्या प्राइस है? 500। और ये दिखाना हॉर्स, ये ज़ेब्रा जो है। हाँ, ये कितने का है? 400। ये पकड़ो, ये दिखाइएगा। इसके क्या है? और 200। ये चलता है? ABCD चलती है। 200। और इसके बताओ? ये 400 रुपये। ये भी बचता है? सेल लगेगा। डिफरेंट प्राइसेस हैं इनके पास। इसके 300 रुपये बताएं, क्या करेगा ये? अच्छा अच्छा तो आगे चले तो यहाँ पर मिल जाता कॉस्मेटिक का सामान। तो कॉस्मेटिक का सामान तो मैं आपको यही रिकमेंड। पक्की बात है? हाँ भाजी, हाँ बेफिक्र रहो, साई के बेच रहे हैं, कोई मजाक ना करो। वापिस आ जाओ। 50 में। शॉपर वॉपर नहीं है? शॉपर में डाल दो। और वो गाड़ी कितने की है? 100 रुपए की। 100 की। और ये छोटी वाली? 50 की। ये वाली दे दो फिर। एक बड़ी वाली भी देनी है? नहीं बड़ी नहीं, बड़ी नहीं देनी, 50 वाली हो। आ जाओ 50 में। कितने का? 500। लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और बहुत ज़्यादा हैरान थी कि यहाँ पर इतने लोग होते हैं। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नया था। मैंने फर्स्ट टाइम ये बाज़ार देखा है, फर्स्ट टाइम ही मैंने दरगाह देखी है।
पिछले कुछ सालों से हर साल सुनती आ रही थी कि पल्ले भरे जाते हैं, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। तो इस साल सोचा क्यों ना व्लॉगिंग कर दी है स्टार्ट, तो आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर जाया जाए। तो सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी तपती धूप में मैं आई हूँ, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी ही करना है। और ये बात भी आप लोगों से छुपी नहीं है कि मैं सेकंड टाइम आज के दिन इस बाज़ार में आई हूँ। फर्स्ट टाइम जब आई थी तो मेरे बेटे ईसा ने, मोहम्मद ईसा ने रोना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं उल्टे पांव वापस अपने घर चली गई थी। तो यहाँ पर मुझे मोहम्मद ईसा के लिए सामने आपको ब्लैक गुस्से शायद नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन मोहम्मद ईसा जो है थोड़ा हेल्दी है, तो मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा था कि ये मोहम्मद ईसा के साइज़ सही रहेगा भी या नहीं। 200 के सारे खुस्से सैंडल दे रहे थे। और यहाँ पर छोले की चाट इंतहाई सस्ती मिल रही थी, आपको सिर्फ 50 रुपये की प्लेट मिल रही थी, वरना आपको नॉर्मली बाहर से 100 या 150 तक की मिलती है। यहाँ पर जो है जूसेस भी मिल रहे थे, काफ़ी तरह के खाने पीने के आइटम मिल रहे थे, और बहुत सी जगह जो है मुफ्त में भी जो है पिलाए जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे चीज़ें। हर साल लगाते हो? कितने सालों से लगा रहे हो? भाई को बताएं कितने साल से आप लगा रही हैं? 20 साल से, जब तो आप छोटे होंगे। 12 साल से लगा रहे, मतलब आप 12 साल के थे। तो पैसे दिए जाते हैं या बस ऐसे ही लगा लेते हैं? कोई मतलब पैसे नहीं लेते? कितने लिए आपके फिर? ये कह रहे हैं इस एरिया में नहीं लेते, नीचे लेते हैं। अच्छा, नीचे लेते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, लगा के बैठ जाए, कोई पैसा नहीं देना पड़ते हैं। पहले से जगह आप यानी कि सेव कर लेते होंगे अपनी, जैसे आपने सुना कि 2 दिन लेगा तो आपने सेव कर लिया अपनी जगह। सही सही सर। आप क्या जी? हम किस शोबे में? ये तो हम ब्लॉग के, हमारा यूट्यूब पे चैनल है ना, तो उस पर हम डालेंगे। थैंक यू भाई बताने के लिए। अच्छा अच्छा, कितने की है वैसे ये डॉल? 100। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को भी दिखाया जाए यहाँ पर कितना बड़ा ये मेला लगता है। मैं तो अभी तक बेखबर थी, खैर मुझे कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं घर बैठे अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग लेती हूँ मुझे जो भी चाहिए होता है। और वैसे भी अमल का दारो मदार जो है नियतों पर है, अल्लाह ताला कहता है जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। कितने की है? 50 की है। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो काफ़ी स्टॉल ऐसे थे जो मुझे सेकंड टाइम में नज़र ही नहीं आए, हो सकता है उनका जो है सामान ही ख़त्म हो गया हो बेच बेच कर, या फिर जो है पिछली रात से वो बैठे थे लगा कर, हो सकता है थक गए हों, धूप भी तो इतनी तेज़ थी, गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद थी, इंसान ही तो इंसान थक भी जाते हैं। लेकिन लोगों का रश भी बेहिसाब था और ख़रीदने वाले बहुत कुछ सामान जो है ख़रीद रहे थे, और स्पेशली शॉपिंग करने भी लोग आ रहे थे। मेन ये कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे थे वो विज़िट भी कर रहे थे बाज़ार को, और फिर ऐसा हो सकता है कि लेडीज़ और बाज़ार और वो कुछ ख़रीदे ना। कितनी लेनी है? बाबा की नहीं है, बेबी की हैं सारी। कितने की है? सबके मतलब सब एक सेम प्राइस में? महंगाई के इस दौर में आप लोगों को यहाँ पर अगर ये चीज़ें मिल रही तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही हैं, क्योंकि आजकल जो है 250 रुपये की चप्पल कहाँ से मिलती है। ये रिंग है, ये मोबाइल रख के देख लो, मोबाइल का 50 रुपये। क्या चीज़ है ये? परफ्यूम 150। दिखाना स्मेल, 150 का है और स्मेल चेक करा। ये क्या है नादिम? अभी ये तस्वीर, तस्वीर है ये, और ये बटरफ्लाई फ्रिज वगैरह पर लगाना। ये रात में शेड देती है, जैसे लाइट बंद होगी तो ये चमकेगी। और ये पोपट, क्या पोपट, क्या है ये पोपट? है बच्चे करते हैं, क्या करो फिर, मतलब यूँ करते रहो ऊपर नीचे भाई। ये इसमें बॉल डालनी पड़ती है। ये 70 रुपये का बोल रहे हो, वो किचन किस दिखाइएगा, दिखाएं क्या है ये? 50 की जोड़ी, ऐसे ही रख दो, मतलब हिलते रहेंगे खुद ही। हाँ, शीशे वगैरह पर रख दो, हिलते ही रहेंगे। ये ले भाई, दिखाना दिखाओगे थोड़ा आगे करके। हाँ, कितने का है भाई? 1500।
वो दिखाना रेड वाला। पंद्रह सौ का है, अच्छा लग रहा है प्रिंट से ना, पर सही लगाओ ना। 500 आना स्लाइड पूछो। कितने का ये बोर्ड? 150 कोई छोटे बच्चे का नहीं तो है, और अच्छा लग रहा है, ये ले लूँ। अच्छे हैं वैसे इस पर, इसमें कम करोगे? 200 इसमें कौन सा प्रिंट अच्छा लग रहा है? ब्लैक ही सही है। ये 150 का है, ये 200 का बोल रहे हैं। और ये ड्रेसिंग किचन है, किचन अच्छा, ये किचन सेट अच्छा 150-200 बताओ, ले लूँ चंग भैया। लकड़ी है ये, फरमाइश तो कर दीजिए, क्या लेकर आना मेरे लिए? भूल हाँ, क्या कह रही थी? किचन सेट वो तो बड़े बड़ों की कर रही थी। अच्छा हाँ, ईसा के टूट गए ना ये वाले, लाओ एक ये कर दो। और जो है भाई ये किट 200 अच्छा, और ये 150 वाले हैं, सही है। कितने की ये अली? और ये अच्छे लग देना, आ ही नहीं रही था, बड़ी है इसमें साइज यही है, 8 नंबर। क्या बोल रहे हैं? सूट है 3 पीस 600 रुपये का, 11 लगता है पहनने के बाद। चुनरी हाँ, वो चुनरी 2 पीस है 450 रुपये का। तो काफ़ी बाज़ार का जायज़ा लेने के बाद अब हम जो है बस थक चुके थे, और हमने कहा चलो बस अब जो है घर का रुक कर लेते हैं। तो यहाँ से अब घूम कर जो है ना बस हम अपने घर ही जाएंगे। कितने का ये कौन? ये 350 का है, ये वाला 300 का, 250 का। वो भी तो होते हैं लट्टू, लट्टू और महंगा वाला कौन सा है? महंगा वाला ये 450। हाँ ये कितने का? ये तो मैंने देखा हुआ है चला के, है कितने का? कम नहीं करोगे? कितने की है ये? 150 150 की है, थोड़ा बड़ा होता ना। और ये बॉक्स 150 ये भी दे दो, 350 का है। कितने के भाई? 250 की सेल, 250 की सेल। गर्मी इतनी हद तक थी कि मेरा मोबाइल जो है बार बार आग बगुला गर्म होकर गुस्से में जो है उसका कैमरा ही नहीं चल रहा था, कुछ वीडियो बन ही नहीं पा रही थी। तो मुझे जो है मेरी जिठानी ने हेल्प की, उसने मुझे अपना मोबाइल दिया, कुछ क्लिप्स मैंने उनके मोबाइल में रिकॉर्ड किए और फिर उनसे लेकर अपनी वीडियो जो है कंप्लीट की। यहाँ जो है मुझे मोहम्मद ईसा की भी टेंशन हो रही थी, उसको मैं उसके बाबा के पास घर पर छोड़कर आई थी। मोहम्मद ईसा जो है सिर्फ अपने बाबा के पास रहता है या फिर मेरे पास। कितने का है बैग भाई वाला? 300 का। कितना फाइनल है? 300 का फाइनल बता रहे हैं, बड़ा वाला 400 का। अच्छा लग रहा है कोई ये पिंक भी है, ये भी है, ये तो तुम्हारे सूट जैसा है ना सर? ये सिलाई मशीन कितने की है बड़ी? 200 ये ना मोटी है, मुझे सिलाई के लिए।
फिर ये क्यों ले रही है, दो दो हो जाएंगे। नहीं वो इससे छोटी की 200 की दे रहा हूँ। वो कितने के लिए? वो भी 100 की थी। ये गाड़ी चला के नहीं खाना है ना, ये 150 की बताओ ना। ये वाली भी अच्छी लग रही है, ये बढ़िया। हाँ हाँ तो दिखा तो दो। चलो 150 में सर। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है लेकिन चलता है कभी कभी। तो मैंने तो आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। काफ़ी कुछ मैंने आज अपनी ज़िंदगी में नया देखा और जो है नया सुना। साथ साथ आप मोहम्मद ईसा की भी आवाज़ सुन रहे होंगे, ये मेरे साथ ही मौजूद है और ये भी मुझे यही कह रहे हैं कि मम्मा मैंने भी आज जो है बहुत ज़्यादा आपको मिस किया, आप मुझे छोड़ कर चली गई थी बाज़ार। तो ढेर सारा आप लोगों ने मुझे रखना है दुआओं में याद। दूसरों को दुआओं में याद रखा करें, दूसरों के हक़ में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके हक़ में दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।